नमस्ते, सलाम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। यस, हम लोग व्यूअर्स के लिए वेट कर रहे हैं। थोड़े व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन होंगे, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द व्यूअर्स टू ज्वाइन इन। थोड़ा सा हम लोग टाइम से आई थिंक 1 आध 2 मिनट पीछे चल रहे हैं, वेरी सॉरी, बट कुछ कनेक्शन के एरर हुए थे मेरे यहाँ से। सर तो बहुत टाइम पे है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। सो कुछ इश्यूज हो रहे हैं मेरे स्क्रीन पर भी, बट वी कांट हेल्प इट राइट नाउ। बट मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमें सर को मिलना है और सर की स्क्रीन क्लियर है, सो आई एम ओके विद इट। ओके, सो सर कुछ लोग जुड़ रहे हैं, हम थोड़े और लोगों को जुड़ने के लिए रुकेंगे। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन इन। आदि आदि, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए हैं हमारे यहाँ पर। सो बट जैसे कि शो मस्ट गो ऑन, सो दैट्स द स्पिरिट एंड द शो इज़ गोइंग ऑन। शो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सर ने इतना अमूल्य टाइम हमारे लिए निकाला है। गीता शाह गाइडलाइंस चैनल में सर का स्वागत है। सर ने टाइम निकाला है तो शो हैज़ टू गो ऑन एट एनी कॉस्ट, एंड सर इज़ ऑल्सो योर, सो देर इज़ नो क्वेश्चन कि हम रुकेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। सो थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक्स अलॉट, एंड थैंक यू सर। आपके मैंने पूरा प्रोफाइल देखा, इट्स अमेजिंग, कोई शब्द ही नहीं है मुझे बोलने के लिए। आपको, आपकी जो फैमिली है, खत्री फैमिली, यू नो, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आई जस्ट डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। सर कुछ आप प्लीज़ कुछ आपके अवार्ड्स के बारे में बताइए। पद्मश्री फैमिली वेलकम है आपका, अगेन एंड अगेन। थैंक यू। अवार्ड्स के बारे में बताएं तो हमारी फैमिली में स्टेट से लेके नेशनल अवार्ड तक 15 अवार्ड मिले हुए हैं फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को। और सबसे खास बात जो आपने बोला पद्मश्री, जो लास्ट ईयर ही हमारे बड़े भाई कपूर भाई को मिला है, जो 5वें पहले आर्टिस्ट है जिसको मिला है ये अवार्ड पद्मश्री, तो यस सर, हमारे लिए और पूरे कच्छ के लिए एक गर्व की बात है। सच में। एंड आपके नॉलेज के लिए, व्यूअर्स के नॉलेज, सर को तो पता ही है, व्यूअर्स के नॉलेज के लिए मैं भी कच्छ से हूँ और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं सर के सामने यहाँ पर बैठी हूँ। सर कच्छ में है, मैं मुंबई में हूँ, और इतना टाइम निकाल के जो भी दिक्कतें हो रही है हमें आज, और जो व्यूअर्स है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सर। सो प्लीज़, आपके जो फैमिली बहुत सालों से ये आर्ट में है तो उसके बारे में कुछ बताइए, और व्यूअर्स को ये भी जानना है कि जो हिस्ट्री है रोगन आर्ट, रोगन आर्ट इज समथिंग लाइक टेक्सटाइल पेंटिंग, एक पेंटिंग जैसा है जिसमें बहुत ही डिटेलिंग की ज़रूरत है, प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत है। सो सर कैन यू जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट योर हिस्ट्री, आपकी फैमिली में कैसे ये आर्ट आपकी फैमिली के साथ जुड़ा? बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष भी शायद हुआ होगा, ऐसे मैं सोचती हूँ, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैं क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि हर एक कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई संघर्ष और स्टोरी होती है। सो सर प्लीज़ हमें जानना है। तो रोगन की बात करें तो हमारी फैमिली का 300 से 350 साल का पुराना मतलब ट्रेडिशन है जो हमारी फैमिली में चला आ रहा है। तो अभी हमारी फैमिली में 8वां जनरेशन काम कर रहा है। तो रोगन मीन्स ऑयल बेस्ड, जो कैस्टर ऑयल होता है उसको हम जंगल में जाके बॉईल करते हैं, तो जो उसका पेस्ट बनाते हैं यस सर, उसका पेस्ट जैसा तार निकलता है उसके अंदर हम कलर मिक्स करते हैं, तो डायरेक्टली कपड़े पे हम बनाते हैं। तो रोगन का प्रोसेस हमको जंगल में जाके करना पड़ता है, उसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे अगर गांव में या एरिया मतलब सोसाइटी में बॉईल करेंगे तो उसके जो स्मेल है वो बहुत गंदी आती है। तो हमको ये पूरा प्रोसेस आउटसाइड 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में जाके करना पड़ता है। और इसकी खास बात ये है रोगन की के काफ़ी साल पहले, शायद तकरीबन 40-50 साल पहले 2-3 फैमिली थी रोगन के लिए, लेकिन उस टाइम क्या है कि बहुत पॉप स्टाइल में काम होता था, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो
तो सब फैमिली ने खत्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम कच्छ बहुत बैकवर्ड एरिया था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो लोग मजदूरी की तरह काम करते थे, रोगन काम बोला जाता था। फिर धीरे धीरे मार्केट में ये प्रिंटेड और टेक्सटाइल सब चीज़ें आई, तो सब फैमिली ने बंद कर दिया। लेकिन हमारी फैमिली ने बंद नहीं किया, उसको दूसरे काम करते करते, जैसे कि मजदूरी वगैरह की, वो सब करते करते इसको आर्ट फॉर्म में इम्प्रूवमेंट किया है। तो जब ये इम्प्रूवमेंट हुआ 1985 में, तब हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब हम जैसे बोलो कि रोड पे ही थे। तो उस कंडीक्शन में हमने ये पूरा संघर्ष करते स्ट्रगल किया पूरा, और इसको जिंदा रखा है, तभी जाके ये रोगनाथ को पहचान मिली है सर। एंड ये भी सुना है सर कि ये पर्शियन आर्ट है, एंड यू नो इट्स कम फ्रॉम पर्शिया। जैसे कि कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रोगन एक नाम है जो ऑयल बेस, मतलब ऑयल बेस का मतलब पर्शिया में होता है लाइक रोगन, राइट? आई एम सो कंफ्यूज बिकॉज आई थिंक यू आर अ मास्टर एंड आई एम स्टैमरिंग, आपके सामने मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। रोगन क्या है कि रोगन मीन्स ऑयल बेस्ड पर्शियन लैंग्वेज, तो शायद ये आर्ट पहले पर्शिया में भी होता था, क्योंकि आप इसका सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे ट्री ऑफ लाइफ वगैरह का, वो पर्शियन ही है। तो हम श्योर नहीं है कि ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन हमारी फैमिली में ये 300 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है, वो हमारे पास रिकॉर्ड भी है, 8वां जनरेशन कंटिन्यू हमारी फैमिली में इन्वॉल्व है। ओके सर, तो जैसे आप 8वां जनरेशन बोल रहे हो, मतलब जो लोग होते हैं सर, बहुत सारे लोग हेलो बोल रहे हैं दीपाली जी, या आपको भी हेलो बोल रहे हैं, मुझे भी हेलो बोल रहे हैं, दीपाली जी हेलो हमारी तरफ से, या सो सर मैंने सुना है, जैसे अभी आपने बताया मुझे कि 8th जनरेशन आपकी काम कर रही है, मतलब तो एज कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं और कितने दिन लगते हैं ये सीखने के लिए? हमारी फैमिली की बात करें तो 12 से 13 साल से स्टार्ट हो जाता है सीखने का, और कम से कम मास्टरी करने में हमको 1 साल लगा है, जो हमारे भाई है वगैरह। बाकी डिपेंड करता है माइंड के ऊपर एंड स्किल के ऊपर। सो 13-14 साल जो आप बोल रहे हो, मतलब व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभी भी हमारे पास व्यूअर्स के अलावा बाद में भी ये लाइव ही रहेगा, इन द सेंस ये लाइव स्टोर हो जाएगा, तो कभी भी कोई भी देख सकता है। सो प्लीज़ आप गौर से सुने जो ये बोल रहे, 8th जनरेशन तक अभी ये इनके पास हिस्ट्री है, किस किस ने काम किया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 13 ईयर्स की उम्र से हम सीख सकते हैं। सो हम तो ऑब्वियसली हम लोग भी सीख सकते हैं सर, कुछ ऐसा होता है क्या कि हम वहाँ पर आके ऐसा कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर आके प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, और कितने दिन में सीख पाएंगे? यहाँ पे भी हम वर्कशॉप लेते हैं हमारे घर पे, या फिर जहाँ से स्टूडेंट स्टडी करते हैं, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट में, जैसे बॉम्बे में, दिल्ली में, तो हम वहाँ पे भी वर्कशॉप के लिए जाते हैं, जो इन्वाइट करते हैं कॉलेज वाले। Okay. और यहाँ हमारे घर पे भी काफ़ी आते हैं। ओके okay. तो उसमें क्लासेस में क्या है कि 10 से 12 स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ में, तो उसका 2-2.5 घंटे का टाइम रहता है। ओके okay. क्लास का सो 2-2.5 लिमिटेड रखते हैं, 2-2.5 घंटे में क्या उनको, आप एक साल से प्रैक्टिस कर किया है आपने, तो एक साल तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, लेकिन 2-2.5 घंटे में करने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वो कर पाएंगे ट्राई? मैडम इसमें मैंने बोला ना कि स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 2-3 महीने में भी सीख सकता है, और कोई किसी को सालों भी लग जाते हैं, उसके ऊपर okay. अंदर टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका ड्राइंग पावर होगा, तो हम जो प्रोसेस चलाते हैं 2-2.5 घंटे का, तो उसमें हम पहले ड्राइंग पावर चेक करते हैं कि किसका अच्छा ड्राइंग पावर है, फिर हम रिजल्ट बताते हैं कि नहीं ये कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। ड्राइंग पर तो अगर फैशन से रिलेटेड है या टेक्सटाइल से रिलेटेड लोग हैं तो ऑब्वियसली उनकी ड्राइंग अच्छी है, तो शायद उम्मीद है कि वो जल्दी सीख पाए। हाँ ट्राई, मतलब जिसको वर्कशॉप ज्वाइन करना है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमें, या फिर हमारी वेबसाइट के जरिए, या काफ़ी फोटोज हैं वर्कशॉप वगैरह पे आप देख सकते हैं। तो अभी ये वायरस के चलते हम कहीं पर निकल नहीं पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट तो काफ़ी है अपने बॉम्बे, दिल्ली में, अहमदाबाद में भी जो NID कॉलेज है, लेकिन वायरस की वजह से हमने अभी तक सब वो रखा है मुलुकी। तो आप जो अभी अब ये टॉपिक तो बाद में निकालने वाले थे, लेकिन जैसे आप अभी बता रहे हो, तो आगे के प्लान्स क्या है? मतलब आप बोल रहे हो बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे जगह रिक्वायरमेंट है,
तो आगे के प्लान्स आपके क्या हैं ये न्यू नॉर्मल के? मोस्ट ऑफ हमारा जी इम्पोर्टेंट यही है कि आगे जाके जैसे अलग अलग एजेंसी है बड़ी बड़ी या कोई कंपनी है जो वर्कशॉप के लिए अप्रोच करें हमको, तो हम वर्कशॉप के लिए भी जाएंगे और डिजाइनर के साथ कोलाबरेट करके उनके साथ हम काम करेंगे कि इस ब्रोकन आर्ट में टेक्सटाइल के फिर एसेसरीज में क्या क्या नई प्रोडक्ट बन सकती है उसके ऊपर भी हम आगे मतलब देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो ब्रोकन आर्ट में मतलब एसेसरीज का कोई ऐसा प्रोडक्ट सामने नहीं आया। ज़्यादातर हम ट्री ऑफ लाइफ या स्टॉल से बनाते हैं, तो हम अपने हिसाब से भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक नई चीज़ मिले रेयर आर्ट से। नई चीज सर, आप ही मेरे सामने क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाल रहे हो। नई चीज तो नए नए में क्या क्या बनाया सर आपने? नए नए में देखिए अभी जो जब डेवलप नहीं हुआ था मतलब जब 1985 की बात है, तो पहले स्कर्ट एंड क्विल कवर दो ही चीजें बनती थी। okay. यहाँ पे लोकल यूज था कच्छ में, जो मालदारी कम्युनिटी होती है यहाँ पे वो यूज करती थी। 1985 को इम्प्रूवमेंट होने के बाद हमारे फादर और कपूर भाई ने ट्री ऑफ लाइफ शुरू किया। उसके बाद हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे स्टॉल्स हैं, हैंडलूम के मटेरियल, साड़ी हैं, बैग हैं, मोबाइल कवर्स हैं, जो टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं उन सारा बनाते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स, तो अगर ये प्रोडक्ट्स आप बता रहे हो तो अगर कोई डिज़ाइनर या अगर कोई स्टूडेंट जिसके दिमाग में कोई डिज़ाइन है तो क्या वो बन सकता है? मतलब ऐसा कुछ है कि कुछ पर्टिकुलर ही डिज़ाइन बन सकती है, कि एनिमल प्रिंट बन सकता है, कि फ्लोरल बन सकता है? तो अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो क्या, जैसे कि हम लोग खाखा बनाते हैं तो खाखा में कैसे हम लोग पेपर पे डिज़ाइन बना लेते हैं और फिर उसको छापते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ पेपर पे ड्राइंग वगैरह करना पड़ता है? हम जो काम करते हैं हमारा जो रनिंग प्रोडक्ट जो भी है रोकन का, कोई ड्राइंग नहीं करते, विदाउट ड्राइंग होता है सारा, और यहाँ माइंड में जो भी होता है वो डायरेक्टली। लेकिन काफ़ी डिजाइनर्स के भी डिजाइन आते हैं तो वो भी हम पहले चेक करते हैं, वो भी हम विदाउट ड्राइंग करते हैं। अगर इम्पॉसिबल होता है तो हम मना कर देते हैं कि भाई ये चीज़ हमसे नहीं होगा, क्योंकि कुछ पैटर्न ऐसी होती है जो टेक्सटाइल रिलेटेड नहीं होती, दूसरी होती है लाइक पिरामिड डिजाइन। तो स्टूडेंट ड्राइंग करके बोलते हैं कि हम ड्राइंग कर देंगे, तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा पूरा इमेजिनेशन है विदाउट ड्राइंग सारा। सो इमेजिनेशन मतलब आप दिमाग में पूरी डिज़ाइन फिट करके आप ड्रॉ कर लेते हो, आपको पेपर पे ड्रॉ ही नहीं करना पड़ता सर। धन्य है आप, वाओ, इट्स लाइक सो क्रिएटिव, सो नाइस, इट्स अमेजिंग। तो ऑब्वियसली अगर पहले तो स्टूडेंट्स को सीखना है कैसे होता है और उसके बाद वो पूरे दिमाग में फिट करके कोई ड्राइंग नहीं करनी और ऐसे ही बनाना है, सो इट्स लाइक बहुत सारा प्रैक्टिस लगेगा। आई कैन ट्रस्ट दैट। सो सर, ये तो हुई डिज़ाइन की बात कि आपको डिज़ाइन बनानी ही नहीं है। व्हाट अबाउट कुछ सवाल मेरे दिमाग में भी हैं और कुछ अभी व्यूअर्स भी पूछेंगे हमें सवाल, और कुछ व्यूअर क्वेश्चन हमें पहले भी आए हैं ऑलरेडी इंस्टा पे और फेसबुक में, तो वो सारे सवाल हमने जॉट डाउन किए हैं, वो भी मैं आपको पूछूंगी। तो जैसे आप अभी ये डिज़ाइन का बता रहे हो, तो कलर्स, जो कलर्स होते हैं, जो आपने बोला कि हम फॉरेस्ट में जाके जंगल में जाके कलर वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं कि कोई भी कलर बना सकते हैं हम लोग? कोई भी कलर, बहुत वैरायटी बनती है? नहीं, कलर्स में इसका जो मैंने बोला रोगन का बेस है वो हमको प्रोसेस जंगल में जाना पड़ता है, बाकी वो जो ब्राउन कलर का पेस्ट है कलर मिक्सिंग वगैरह हम घर पे करते हैं। okay. उसका कोई इश्यू नहीं है, और कलर में लिमिटेड आते हैं, 4 से 5 कलर आते हैं जो इसके बेस कलर है। okay. उसको 2 कलर मिक्स करके दूसरा कलर हम बना सकते हैं। okay. तो कलर की बात करें वो हम करते हैं अहमदाबाद से बाय करते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं, कुछ मिट्टी के गांठे आते हैं, तो उसको पूरा ग्राइंड करके जैसे गाँव में मसाला पीसते हैं उस तरह इसको रगड़ के पूरा पीस के रोगन के अंदर मिक्स करना पड़ता है। ओके, सो इट्स अ बिग प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस पहले तो आपको फॉरेस्ट में करना है कोई प्रोसेस, उसके बाद ये पत्थर से पीस के आपको अहमदाबाद से कलर मंगा के प्रोसेस करना है। सो आई होप व्यूअर्स सब सुन रहे हैं सर क्या बता रहे हैं। ओके, सो तो कलर्स हमें पता चला कि कलर्स क्या क्या पॉसिबल है, डिज़ाइन कैसे बनेगी, तो फैब्रिक सर, ये सब हम फैब्रिक पे करेंगे, तो फैब्रिक कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं कि कोई फैब्रिक में स्टूडेंट को करने के लिए आसानी होगी? मोस्ट ऑफ हम कॉटन और सिल्क यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। ओके,
और सब फैब्रिक पे हो सकता है, लेकिन रोगन हर कपड़े को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आप देखेंगे कोई मतलब उभरा हुआ होता है कपड़ा तो उसके ऊपर रोगन सही तरह बैठ नहीं पाता, तो वो आफ्टर वॉश निकल जाता है। तो हम जिस कपड़े की गारंटी देते हैं या कुछ हमारे पास डिजाइनर स्टूडेंट आते हैं तो वो चेक करते हैं कि आप इनको देखो इससे होगा कि नहीं होगा। अगर हम सर्टिफाई करते हैं होगा तो कर सकते हैं, अगर नहीं होगा और स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको करना ही है तो हम कर देते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती। क्योंकि बहुत हमने आप देखेंगे हमारे बैच पे हमने नेट वाला जो क्लॉथ होता है एकदम पतला उस पर भी किया है, कोटा डोरिया सिल्क जो एकदम जिस पे पॉसिबल है उस पर हमने काम किया है, लेकिन वो स्टूडेंट होते हैं अपने कलेक्शन के लिए बनाते तो हमको बनाना पड़ता है। ओके सो आप जो सजेस्ट करते हो वही फैब्रिक अच्छा है, और उसके अलावा दूसरा कोई फैब्रिक है तो फिर उनको गारंटी नहीं है, मतलब यू नो, बट फिर भी आप कर देते हो मे बी फॉर द फैशन शो के ऐसा कुछ होता होगा या उनके कलेक्शन प्रोजेक्ट के लिए, मतलब उसको आगे जाके कुछ डिग्री मिले तो हम बना देते हैं। ओके सो सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि चलो आपने ये डिज़ाइंस वगैरह बोल रहे हो आप बना देते हो फैब्रिक्स वगैरह और वर्कशॉप्स आप लेते हो, आप फैशन शोज करते हो, तो वर्कशॉप्स अभी 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 तक आपने इंडिया में या मैंने तो सुना है आपने अब्रॉड में भी वर्कशॉप्स लिए हैं? देखिए मैं ज़्यादातर अपने अहमदाबाद से लेके हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर हर जगह पे किया है वर्कशॉप, लेकिन अब्दुल गफूर जी हमारे बड़े भाई जिनको पद्मश्री है वो लंदन गए थे, इंडिया क्राफ्टी करके एक दिल्ली में एजेंसी है बड़ी, उनके थ्रू वहाँ पे उन्होंने वर्कशॉप किया था यूके में। ओके दो दिन का वर्कशॉप था ब्रिलियंट ऑसम। यूके तक भी सर आपने इंडिया की कला यूके तक पहुँचा दी, इट्स लाइक अमेजिंग, सो नाइस। एनीबडी व्यूअर्स आपको भी कुछ कमेंट करना है या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं सर को प्लीज़ प्लीज़ पूछिए आप। ओके सो वी विल जस्ट कंटिन्यू विथ व्हाट सर इज सेइंग। सर सो आपने जो हिस्ट्री बताई, एनी व्यूअर्स एनीबडी हैज़ नॉट अंडरस्टूड और कोई प्रॉब्लम है कुछ समझा नहीं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। सो वी जस्ट वेटिंग फॉर सम कमेंट्स और वी जस्ट कंटिन्यू विथ व्हाट वी हैव टू यू नो कंटिन्यू विथ सेइंग। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। सो सर ये जो आप बता रहे हो आप दूसरे फैब्रिक में गारंटी नहीं लेते हो, मतलब क्या इसका कोई वॉशिंग प्रोसेस होता है या इसको ड्राई क्लीन करना पड़ता है कि इसको धो ही नहीं सकते हो? नहीं, जैसे हम पहले हम कॉटन यूज करते हैं और सिल्क भी यूज करते हैं, लेकिन क्या है तो हम नॉर्मली हैंड वॉश कर सकते हैं, मशीन वॉश भी होता है, ड्राई क्लीन भी होता है। ओके रिसेंटली हमने कुछ सालों से हैंडलूम के मटेरियल को शुरू किया है, स्टॉल्स वगैरह जैसे कॉटन है, वुल है, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप ड्राई क्लीन करिए, क्योंकि वो हैंडलूम के मटेरियल्स हैं, कपड़े की कैद के लिए वो ड्राई क्लीन करना ज़रूरी है। yes. तो उसमें थोड़ी वॉशिंग की भी केयर करनी पड़ती है कपड़ों में। यस सो मेजरली जो आप बोल रहे हो कि अगर आपके एंटिक कलेक्शन है तो वो सब तो हैंड वॉश ही हो रहे होंगे, और अभी जो लेटेस्ट मिक्स मैच ऑफ फैब्रिक्स है उसको आप सजेस्ट कर रहे हो कि बेटर टू ड्राई क्लीन इट। ओके सर मैंने आपके एक दो जो साइट्स हैं जो आपके पेजेस हैं ये सब तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे, तो अगर किसी को भी सर को फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएंगे सर के। तो सर उसमें एक ऐसा था कि आप जब डिज़ाइन छापते हो तो उसका मिरर हो जाता है, यू नो फैब्रिक को कुछ फोल्ड वगैरह किया था आपने और कुछ हाथ में भी कलर को आपने रब किया था एंड ऑल। हाँ तो वो क्या है कि कलर को बॉडी से इसको सॉफ्ट करना पड़ता है तभी जाके उसका ऐसा थ्रेड जैसा तार निकलेगा। ओके और कपड़े पे नीचे बैक साइड लेफ्ट हैंड का फिंगर उसको गाइड करेगा और ऊपर तार चलेगा, तो दोनों का बैलेंस एक ही होगा तभी डिजाइन बनता है। ओके ओके सो ये ऐसे प्रोसेस में बन पाएगा। सो सर ये जो आप बता रहे हो तो बॉम्बे में और पूरी दुनिया में सब चीज का डुप्लीकेट मिलता है, तो क्या इसका भी कोई डुप्लीकेट मिलता है और कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट में ऐसे कि देखिए आप जो प्रिंट होता है तो वो एकदम फ्लैट होता है, उसको आप फील नहीं कर सकते, तो रोगन को आप एकदम फील कर सकते हैं अगर आप ऐसे कपड़े पे या वॉल पीस पे चार्ट लगाए तो वो एम्बॉस जैसा लगेगा थोड़ा, और प्रिंट आएगा वो डायरेक्ट
फ्लैट आएगा तो वो मतलब रोगन नहीं है। और सबसे खास चीज रोगन की पहचान है, जो हम पीसेस बनाते हैं, जो भी होता है वॉल पीसेस या साड़ी होती है या दुपट्टा, तो हम जब फोल्ड करते हैं तो वो फोल्ड का जो बीच में जो गैप है उसका स्प्रेड रह जाता है, तो वो सबसे बड़ी उसकी पहचान है रोगन की। क्योंकि फोल्ड करेंगे एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, 19x20 होगा ही, तो वो उसका आप आराम से देख सकते हैं। तो फोल्ड करने से आपका जो एक तरफ आपने कलर किया तो फोल्ड करोगे तो वो कलर दूसरी तरफ भी आ जाएगा। या वेट वेट आई विल शो यू। यस यस सर। अभी देखिए हमारा ट्री ऑफ लाइफ है। वाओ अमेजिंग। तो ये ट्री ऑफ लाइफ आप देख रहे हैं, बीच में जो ये गया ये फोल्ड किया हुआ है सारा। या तो इसमें आप देख सकते हैं एंट्री कैसी भी कितनी है, एंड पूरा मतलब मिडल से ऐसे फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हमने ऐसे आधा बनाया और आधा ऐसे फोल्ड किया हुआ, तो पूरा ये सिमेट्रिक आया है। ओके सो ऐसे एसिमेट्रिक थोड़ा सा हो जाता। और अंदर की जो डिटेलिंग है उसको भी क्या फोल्ड कर देते हो सर? अंदर की डिटेलिंग है जो ये व्हाइट वाले पूरे डॉट्स दिख रहे हैं आप, हाँ वो सारे सिंगल किए हुए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बहुत, तो वो अलग से किया होगा, वो फोल्ड नहीं किया है। हाँ ये तो थोड़ा फ्रेम में रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं आपको एक ओपन पीस दिखाता हूँ। ओके सर, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। थैंक यू सर। तो ये हमारा पूरा वर्क है जो डिस्प्ले किया हुआ है। सर आप वर्कशॉप दिखा ही रहे हो तो पूरा दिखाइए, हम लोग को फीलिंग चाहिए कि हम लोग अभी वर्कशॉप में है। अभी ये देखिए ये जो वॉल पीसेस है ट्री ऑफ लाइफ बात कर रहा था, ये पूरा फोल्ड का यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे जल्द से। हाँ ये पूरा इंट्रिकेट पीसेस है, बहुत बहुत सुंदर है। पूरा वर्कशॉप है। वाओ सर ये क्या अवार्ड्स है इतने सारे। यस ये सारे अवार्ड डिस्प्ले किए हुए हैं। अमेजिंग सर, कुछ बताइए ना अवार्ड्स के बारे में। अवार्ड्स ये जो मैंने बात की स्टेट और नेशनल लेवल के सारे हैं, और ये अपने बॉम्बे में मिलता है, ये भी एक नेशनल लेवल का अवार्ड है, पद्मश्री नेशनल अवार्ड। नाइस अमेजिंग। और ये फैशन अवार्ड है जो दिल्ली में मिला था, जेडी फैशन अवार्ड। ब्रिलियंट। और यहाँ पे है आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो लास्ट ईयर मुझे मिला था, क्राफ्ट डिजाइन अवार्ड। सुन रहे हो व्यूअर्स, इंटरनेशनल अवार्ड, कांग्रेट्स सर अगेन एंड अगेन। थैंक यू। एंड ये हमारा पूरा फैमिली फोटोग्राफ। सर इंट्रोड्यूस कराइए ना सबसे। ये हमारे बड़े भाई जिनको पद्मश्री मिला है, गफूर भाई। यस वाओ। एंड ये हमारे फादर जो अब सबसे सीनियर हैं, ये गफूर भाई के भाई हैं जुमा भाई, कुमार भाई। हाँ एंड ये नेक्स्ट जनरेशन जो मैं बात कर रहा था, गफूर भाई का सन 8वां जनरेशन भाई खत्री। हाँ और ये मेरे भाई है, ये भी मेरे भाई है। नेक्स्ट जनरेशन इनटू इट, 8th जनरेशन ट्रेडिशनल रोगन आर्ट, ब्यूटीफुल। ये जो गिफ्ट हुआ था USA में उसका ये आर्टिकल है, ओबामा जो व्हाइट हाउस। या तो मोदी जी ने गिफ्ट किया था ओबामा जी को रोगन आर्ट। वाह इसमें पूरा लिखा हुआ है। नाइस। और जो मैं एंटीक कलेक्शन की बात कर रहा था, ये रहा मोर देन 60 इयर्स ओल्ड या वाज स्कर्ट। वाओ अमेजिंग, 60 इयर्स ओल्ड स्कर्ट, घाघरा। मोर देन यस या घाघरा, तो ये पूरा यूज किया और वॉश भी किया हुआ है, वॉशेबल and reusable, आप देखेंगे कलेक्शन है पूरा। और इसके ऊपर ये पूरा हैंडमेड, ये पूरा हैंड स्टिच किया हुआ है। सर ऑसम है सब काम आपका। और ये क्विल्ट कवर है जो मैंने बात की, पूरा ब्यूटीफुल
बैग्स, तो सर बैग्स आप अलग से एम्ब्रॉयडरी करते हो कि कोई स्कर्ट या कोई ऐसा चीज जो थोड़ा खराब हो रहा है या एंटिक पीस से आप बनाते हो कि कोई सस्टेनेबिलिटी जैसा कुछ है कॉन्सेप्ट? नहीं, ये चीजें हमने एंटीक कलेक्शन से बनाई है क्योंकि हमारे पास कलेक्शन बहुत है, लेकिन वो जो रेगुलर बैग्स आती है जो हम बनाते हैं रोगन के, उसके लिए हम स्पेशल पैच वर्क या बॉर्डर्स भी बनाते हैं जो हम आप टेलर को देके अच्छी तरह से सिलाई करवाते हैं। ओके, मास्क भी देखे हैं मैंने, मास्क है, बैग्स है, लैम्प शेड पे भी किया हुआ था, तो ड्रेसेस भी हैं। सर ड्रेस एम्ब्रॉयडरी है कोई ड्रेस का, मतलब ये जो आपका ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी बोल सकते हैं, दूर से एम्ब्रॉयडरी लगता है लेकिन ये पेंटिंग है, टेक्सटाइल पेंटिंग। ड्रेस पे कोई सैंपल वगैरह? ड्रेस, मोबाइल पाउच, मास्क? मास्क तो अवेलेबल नहीं है लेकिन आई थिंक ड्रेस का पीसेस होगा मेरे ख्याल से। ओके, सो सर हमें दिखा रहे हैं बहुत सारे इनके अमेजिंग कलेक्शंस। सर इज जस्ट कमिंग, ही इज जस्ट फाइंडिंग द पीस फॉर अस एंड शोइंग अस द पीस। सो till that time let me tell you something about this. This is a beautiful traditional work from Kutch and hamare saath hain Jabbar ji. Ye dress ka material hai, he's come, he's from Khatri family. Ye raha. Okay, beautiful. Ye neck ka design hai, neck and ye niche bottom ka design. तो ये पूरा कॉटन के मटेरियल हम ऐसे ड्रेसेस बनाते हैं। सर रफली कुछ रेंज वगैरह बताइए ना बैग्स का या ड्रेसेस का, तो हमारे व्यूअर्स को भी पता चलेगा प्राइस रेंज क्या होता है अंदाज। ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेसेस में जैसे ये वाला है 4,500 का है, तो उसमें कम वाले भी होते हैं जिसके अंदर काम कम होता है। ओके, तो इसमें योक है और बॉटम है। हाँ, और किसी को यहाँ पे स्लीव चाहिए तो वो हम ऑर्डर प्लेस बना देते हैं यहाँ पे। ओके, और बैग्स का रेंज क्या होता है सर? बैग्स का रेंज होता है जैसे ये वाले हैं 1500 के हैं। ओके, कुछ इसमें 2000 वाले, और बैग का स्टार्टिंग होता है 300-400, वो डिपेंड करता है वर्क के ऊपर और सिलाई के ऊपर। ओके, सो स्टिचिंग कॉस्ट एंड कितना टाइम जा रहा है ये बनाने के लिए? या तो अभी हमारे पास क्या है कि अवेलेबल नहीं है एक ही बैग, नहीं तो मैं हम प्रोडक्ट दिखाते कि कैसे बनाते हैं, वो आप हमारे पेज पे देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे प्रोडक्ट डाले हैं। ओके, सो ऑब्वियसली ये लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक वगैरह डाल देंगे इसके बारे में। सो सर मुझे ये बताइए कि ये जो वुमेन्स को भी आप सपोर्ट करते हो मैंने सुना है, क्योंकि पहले यहाँ पर वुमेन्स तो रोगन आर्ट नहीं करते थे, तो अभी आप वुमेन्स को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो? हाँ, वो हमने 2010 से शुरू किया क्योंकि रोगन में किसी महिला ने काम नहीं किया था, तो 2010 से हमने हमारे बड़े भाई गफूर भाई उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया सिर्फ महिलाओं के लिए। तो तकरीबन 300 से 350 यहाँ पे गांव के आसपास की लड़कियाँ गफूर भाई के अंडर में सीखी हुई है, और उसमें 15 से 20 लाख के हमारे प्रोडक्ट के अंदर काम भी करती हैं, मतलब कंटिन्यू जुड़ी रहती हैं। तो आप ये वर्क के साथ साथ वुमेन्स एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करते हो, अमेजिंग सर, इट्स सो नाइस। कितना अच्छा काम कर रहे हो आप, एक तो अवेयरनेस कर रहे हो इंडियन आर्ट की और ऊपर से आप वुमेन्स को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हो, अमेजिंग। यू श्योर वी कैन हैव सम क्लैप्स फॉर सर, एंड प्लीज व्यूअर्स कुछ कमेंट करिए, आप क्या बोलना चाहते हो, आपका कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, प्लीज कम अप विथ योर क्वेश्चन। सर इसमें जैसे कि फैशन शो वगैरह में भी आप काम करते हो, तो फैशन शो में कुछ ऐसी चीज़ स्टूडेंट्स अगर आपके पास आते हैं तो कुछ उनके दिमाग में रखना चाहिए जब वो आते हैं, क्या क्या उनको तैयारी करके आना चाहिए, या यू नो जब वो ड्राइंग वगैरह करते हैं
तो व्हाट दे शुड कीप इन देयर माइंड, उनके दिमाग में क्या रखना चाहिए? यही कि जैसे काफी डिजाइनर्स आते हैं अपना जो गारमेंट्स के लिए कपड़ा लेके आते हैं, तो वो कह के पहले से उसका कटिंग करके लाते हैं, तो वो चीज नहीं, क्योंकि हमको प्लेन कपड़ा चाहिए और मिनिमम 15x15 का कपड़े को हम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा होगा तो हमारे फ्रेम के अंदर आता नहीं है, तो काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। और डिजाइन भी देखना पड़ता है कि हम देख के बता सकते हैं कि ये डिजाइन होगा कि नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली हम डन नहीं करते, पहले हम देखते हैं डिजाइन को। ओके सर, एक मैसेज आया है आपके लिए। हेलो बोल रहे हैं, होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल, बोल शिल्पा जी का मैसेज है, शिल्पा सतीश जी, ठीक है, फ्रॉम बेंगलोर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय यू और सुमर भाई एंड गफूर भाई फॉर माय रिसर्च किया था उन्होंने रोगन के लिए, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू शिल्पा जी। ओके सो ये थे हमारे शिल्पा जी जिन्होंने मैसेज किया था। सर कोई सेलिब्रिटीज है जिन्होंने ये आर्ट को अडॉप्ट किया है और जो अवार्ड्स बोल रहे थे आप, उसमें ऐसा कुछ अवार्ड है जो यू नो जो लोगों को नहीं पता इसके बारे में? मोस्ट ऑफ जो भी हमारे पास सेलिब्रिटीज या डेलीगेट आते हैं स्पेशल, तो हम उसका फोटो अक्सर डालते ही है, लेकिन अभी तक बॉलीवुड में मेरे ख्याल से पहुंचा नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटीज यहाँ पे काफी आ चुकी हैं। जैसे बात करें तो आशा परेख, वैजा रहमान जो एक पुराने जमाने के अभिनेत्री हैं, एंड शबाना आजमी ने उन्होंने भी देखा है, फिर लास्ट रिसेंटली लॉकडाउन से पहले ही जरीन खान आई थी, उन्होंने भी आराम से देखा और पूरा फोटो शूट किया था स्पेशल रोगन के लिए। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी आपको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, आई होप व्यूअर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं रोगन आर्ट के बारे में। सो सर किसी ने अडॉप्ट किया है ये आर्ट, रोगन आर्ट को अडॉप्ट? रोगन आर्ट को अडॉप्ट नहीं, लेकिन अपने जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने ये पूरा हमारा जो गांव है उनको एक आदर्श काम के तौर पे पूरा अडॉप्ट किया है, जिसमें मतलब आर्टिजन को थोड़ा हेल्प मिलेगा और पूरा जैसे बोलते हैं कि ग्राम आर्ट बनेगा। तो अभी ये थोड़ा प्रोसेस कोविड की वजह से कुछ हो नहीं पाया, लेकिन ये जैसे गांव की बात करें जो रोड वगैरह है या सीसीटीवी कैमरा, वो सब मतलब धीरे धीरे हो रहा है। ओके सो सर ये जो अपना रोगन आर्ट है, इसका कोई पीक सीजन होता है कि जब बहुत अच्छा सीजन हो, बहुत सेलिंग होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है? मोस्ट ऑफ हमारा जो सीजन रहता है वो विंटर टाइम का, जैसे अभी नवंबर से लेके फरवरी तक जो 3-4 महीना। हाँ, और काम की बात करें तो रोगन का काम थोड़ा विंटर टाइम पे कम होता है, क्योंकि जो हमारे पास लोग आते हैं टूरिस्ट लोग, उसमें हम बिजी रहते हैं तो हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। आफ्टर मार्च जो होता है उसके अंदर हम हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ रिसर्च वाले होते हैं स्टूडेंट वगैरह प्रोजेक्ट वाले, उनको हम टाइम देते हैं, तो क्या है कि आराम से उनका भी काम हो जाता है। ओके सो मेन सीजन विंटर सीजन है, बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह मतलब यहाँ पे कच्छ में भी मतलब मोस्ट ऑफ ये विंटर टाइम रहता है सब आर्टिजन के लिए, जैसे अलग अलग क्राफ्ट है कच्छ में पूरी, तो ये मेन सीजन होता है। ओके सो सर ये जो आप सेलिंग करते हो, ओके ये क्वेश्चन आया है हमारे पास, जो आप सेलिंग करते हो तो कहाँ कहाँ पर लोगों को पता चल सकता है? कि मुझे लगता है एक तो हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, उसमें से भी वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो और कोई ऐसा साइट है जहाँ पर सेलिंग होता है रोगन आर्ट का आपके थ्रू? देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो अमेजोन पे हमने किया था, लेकिन अभी थोड़ा डीएक्टिव है अकाउंट, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट थोड़ा अभी उसके अंदर जो अमेजोन पे है वो हमारे पास है नहीं, मतलब बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ से जैसे इंडिया क्राफ्ट वीक है दिल्ली के, तो उन्होंने ऑनलाइन एग्जीबिशन किया था, फिर बॉम्बे के पारंपरिक कारीगर है उनके साथ हमने ऑनलाइन एग्जीबिशन किया था, तो कोई इंक्वायरी आती है तो हम ऑनलाइन एग्जीबिशन उनके थ्रू करते हैं, और डायरेक्टली जो भी मतलब वो लिंक डाल देते हैं हमारी प्रोफाइल की, तो डायरेक्ट कस्टमर हमको कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है
आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा. और सर ये जो डिलीवरी है वो अंदाज से कितने दिन में मिलता है? मुझे लगता है अभी तो ये कोविड टाइम है तो कुछ बोल नहीं सकते शायद कितने दिन में मिलता है, बट अदरवाइज इससे पहले कितने दिन में डिलीवरी मिल जाता था? हमारा जो देखिए, अब यहाँ से हम काफ़ी हमारा इंक्वायरी आती रहती है अपने दिल्ली से, चेन्नई से, बॉम्बे से, पूरे भारत से, तो अप्रोक्सीमेट 4 से 5 दिन में तो मिल ही जाता है उनके हाथ में जो भी चीज़ मंगवाते हैं लोग कस्टमर. तो 4-5 दिन में उनको डिलीवरी हो जाती है अंदाज से. ठीक जी, है. कभी सो कभी मतलब सेकंड डे या थर्ड डे भी मिल जाता है अगर बहुत अर्जेंट है तो. सर एक कुछ हमारे पिक्चर्स हम लोग शेयर करते हैं. जो सर के पिक्चर्स हैं, कैन यू सी दिस? तो ये सर रोगन आर्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया है स्क्रीन को, आई होप सब लोग एडजस्ट करेंगे थोड़ा. सो दिस इज सर. सर कुछ बताइए इस पिक्चर के बारे में. अच्छा. सर तो मैं बताती हूँ. इसमें इसमें सर हैं जो रोगन आर्ट कर रहे हैं. ये हमने दूसरे डिवाइस में शुरू करके दिखाया है. और ये सर आपके हाथ में जो नीडल जैसा स्टिक जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कलम बोलते हैं, और रोगन बनाने के लिए हम एक ही यही टूल यूज करते हैं. 5 से 6 का होता है, तो इसी से पूरा डिजाइन बनाते हैं. इसमें ये कलम से डिज़ाइन बनती है. तो सर ये कलम जो होता है इसमें कोई साइजेस होते हैं कि ये एक ही साइज होती है? एक ही साइज होती है, और ऐसा नहीं है जैसे अलग अलग पेंटिंग यूज करते हैं तो अलग अलग ब्रश यूज करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक पेंटिंग बनाता है एक बंदा तो वो उसी से ही खत्म करेगा, दूसरा मतलब बारीक काम के लिए दूसरा यूज नहीं करते, सेम ही होता है. ठीक है. और सर जो डब्बे में कलर्स हैं वो मैं दिखा रही हूँ इनको, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ये आपने जो फोटोग्राफ्स भेजे थे आपके साइट में से, तो ये जो कलर्स हैं वो कुछ पानी है शायद उसमें सर? हाँ, वो पानी में रखना पड़ता है उसका रीजन, अदरवाइज वो पानी के बगैर सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी का भाव होता है, तो उसको पानी में ही रखना पड़ता है. अगर पानी नहीं रहेगा तो वो एक दिन में भी सूख जाता है और एकदम पत्थर की तरह हो जाता है, तो खराब हो जाते हैं. सर ने जैसे बताया. और सर इस पिक्चर में आप पत्थर पे जो आपका जो कलर है ऑयल बेस उसको आप पत्थर पे कुछ पीस रहे हो शायद या हाँ, बैंगिंग वो है? कलर ब्रशिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं हम, कलर का प्रोसेस है उसको ऐसे मसाले की तरह पीसना पड़ता है. हाँ, तो जैसे सर बोल रहे थे मसाले की तरह पीसना वगैरह. ठीक है. और अभी हम दूसरा पिक्चर दिखाएंगे. ये एक वीडियो है सर ने जो शेयर किया था. सर वो जो ब्लू वाला वीडियो आपने शेयर किया था वो दिखा रहे हैं. इसमें आप देख सकते हो कैसे हो रहा है. इसमें सर के हाथ में जो कलम है ना सर, इसको कलम बोलते हैं? कलम ये कलम को सर है ना फैब्रिक पे, सर क्या बताएंगे आप कैसे नॉर्मली ये होता है फैब्रिक पे? फैब्रिक पे जैसे मैंने बात की, नीचे से लेफ्ट साइड का फिंगर उसको मूव करता है ये और ऊपर टेबल से पे डार्क. कुछ पिन वगैरह किया है आपने? हाँ, वो क्या है कि उसकी फ्रेम है इसलिए, तो अभी दोनों का बैलेंस एक ही ऐसे चलेगा तो ही डिजाइन बनेगा, अदरवाइज वो डिजाइन नहीं बनेगा. अच्छा. और हाथ की हथेली पे आपने कलर रख के उसको जो आपके कलम से आपने हिलाया सो दैट वो थोड़ा हाथ की गर्मी से नरम हो जाए कलर? हाँ, अदरवाइज अभी थोड़ी देर से ऐसे करना पड़ा, अदरवाइज वो सूख जाता है कलर. कैन यू सी व्यूअर्स ये कैसे बनता है? ठीक है. वी हैव वन मोर वीडियो विच सर हैज शेयर्ड विद अस. सो सर ने बोला कि आप ये दिखाइए डेमो के लिए. तो ये वाइट वाला है सर जो आपने दिया था. इसमें जो कलम आपके लीफ बन रहे हैं कंटिन्यूअस. कितना कैन यू सी एवरीबडी इसमें ना कोई डिजाइन बना हुआ है और कितना इजीली सर बना रहे हैं. सो इट्स अमेजिंग सर. थैंक यू. बहुत
बहुत ब्यूटीफुल बनाते हो सर आप. अभी इसमें है ना सर ने और भी कुछ पिक्चर्स दिए हैं हमें जो हम शेयर कर रहे हैं. सर इसमें अवार्ड के पिक्चर्स हैं. ये आपका इसमें लिखा हुआ है क्राफ्ट डिज़ाइनर ऑफ द ईयर 2019 जेनेक्स इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड मिला है सर को. और ये सर कोई नहीं है जो हमारे साथ हैं वही है. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन सर. और ये हैं पद्मश्री अवार्ड मिला है सर. बताइए कुछ. हमारे बड़े भाई है अब्दुल गफूर खान भी जो मतलब मास्टर कह सकते हैं बहुत बड़े और हम भी उन्हीं से ही सीखे हैं. ओके दूसरी बार जब मौका मिलेगा आप दोनों को साथ में बिठा के हम इंटरव्यू लेंगे सर. और ये हमारे मोदी जी हैं सर. कुछ इस पिक्चर के बारे में भी बताइए. मुझे फोटो दिख नहीं रहा कि कौन सा फोटो. सर मोदी जी अवार्ड दे रहे हैं आपके भाई को. जब लास्ट सीएम थे गुजरात के तब गुजरात में से 10 ऐसे पर्सन थे जिनको आर्ट के पीछे या एजुकेशन के पीछे हिस्सा तो आर्ट में से कपूर भाई को दिया था अवार्ड स्पेशल अवार्ड स्पेशल. और ये सर आप है और आपने एक बहुत ब्यूटीफुल जैकेट पहनी है सर और आपको अवार्ड मिल रहा है. इस फोटो के बारे में कुछ बताइए. इंटरनेशनल अवार्ड हमारे साथ सेलिब्रिटी हैं सर. आप तो एक सेलिब्रिटी हो. और ये है हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर. हाँ ये पेपर कटिंग मैंने डाला है जो आपका था. और ये फोटोग्राफ है जिसमें वो प्रोडक्ट देख रहे हैं. और ये कोलाज है फोटोग्राफ्स का जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं सर. कुछ बोल ही नहीं पा रही मैं तो. अमेजिंग इतने सारे अवार्ड्स. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अवार्डिंग. आई विल जस्ट जूम लिटिल बिट सो दैट यू कैन चेक आउट द पिक्चर्स. इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं. बेहतरीन काम के साथ जब लोग अवार्ड्स दे के यू नो इट्स लाइक अमेजिंग दैट यू नो दे नो दैट योर वर्क इज गुड. यस ऐश्वर्या जी लिख रहे हैं अमेजिंग वर्क सर. थैंक यू ऐश्वर्या जी. ये है अवार्ड्स की वॉल जो सर दिखा रहे थे हमें. ये अवार्ड विनर फैमिली है. सच में सर ये अवार्ड विनिंग फैमिली ही है आपकी. ब्यूटिफुल. सो व्यूअर्स आपने देखा होगा कि कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं सर को और फैमिली को. सो लेट्स जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन वन सेकेंड. एक सेकेंड सर. यस सो नाउ योर योर. सो ओके यस ठीक है सेट हो गया. सो ये स्क्रीन यहाँ से वहाँ क्यों लेके गए थे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि बताया था कि कैसे होगा वो दिखाएंगे आपको. तो ऑब्वियसली हमें हमारी प्रॉमिस रखनी थी. तो सर ने वीडियो भेजा था और उससे दिखाया था कि कैसे उनका हाथ हिल रहा है सर. इट वॉज जस्ट एकदम ऐसे झा रहा था जैसे कि बहुत ईजी है. बट मुझे पता है जैसा दिख रहा है वैसा होगा नहीं. डिज़ाइन भी नहीं है और आप ऐसे बना रहे हो आर्टिस्टिकली क्या ड्रॉ कर रहे हो विदाउट एनी डिज़ाइन. सर इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या ये इतना ही आसान होता है ड्रॉ करना. मैडम इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है क्योंकि मैंने जैसे बात की जो भी हम वर्कशॉप करते हैं या तो हमारे तो ब्लड में है तो हम डायरेक्टली मतलब पहले डायरेक्टली तो अच्छा नहीं बनता लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर यहाँ पे जो सीनियर बैठे हो तो उनसे देख देख के हमको मतलब एक साल लग जाता है मास्टर होने में. लेकिन वर्कशॉप की बात आती है तो हम पहले उस
5-6 दिन ड्राइंग पावर लेना पड़ता है कि किसका स्किल अच्छा है, उसमें से ही हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट की, नहीं ये कर सकता है ये नहीं कर सकता। और 12-13 साल से ऊपर ही हम अलाउड करते हैं वर्कशॉप में, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो कोई कलर भी मतलब बहुत फैला देते हैं या बिगड़ जाते हैं, तो उसके अंदर उसको बच्चे को कुछ बोल भी नहीं सकते, तो इसलिए हम एज का लिमिट रखा है अप टू 12-13। सर ये शिल्पा जी लिख रहे हैं, शिल्पा सतीश जी, दिस फैमिली इज अ ग्रेट एसेट टू आवर कंट्री। वाकई यस, यू आर ट्रू ट्रू वेरी ट्रू शिल्पा जी। शिल्पा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं और तारीफ के ही काबिल हो आप, तारीफ कौन क्यों ना करे। अमेजिंग वर्क, इतने सारे अवार्ड्स, फिर भी डाउन टू अर्थ। अगर एक छोटी सी चैनल जैसे कि गीता शाह गाइडलाइंस ने आपको अप्रोच किया, फिर भी आप अभी हमारे सामने हो। सो डाउन टू अर्थ, सबकी हेल्प करने वाले, वुमेन्स को भी ये एंकरेज कर रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं, उनको भी एक अर्निंग लाइवलीहुड मिलेगा कि वो भी कुछ दो पैसे कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्ट इनसे सीख रहे हैं। अमेजिंग सर, शब्द कम पड़ेंगे आपकी तारीफ में, इट्स जस्ट टू गुड सर, अमेजिंग एंड ब्रिलियंट। जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, जो भी हमसे हो पाएगा और हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ सबको सपोर्ट करना है कंटिन्यूसली। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे प्लीज़ सर को सपोर्ट करिए, अपना आर्ट जो इंडियन आर्ट है, रोगन आर्ट, उसको सपोर्ट करिए। ओके सर, सर ये जो इंडियन आर्ट है जिसका अवेयरनेस आपने दुनिया में किया है, उसके लिए शब्द, जैसे मैंने बोला शब्द कम पड़ेंगे, कुछ बोल ही नहीं सकते हम। इट्स लाइक एवरीबडी हैज सीन द पिक्चर्स, सो इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर सेइंग इट, सब प्रूफ के साथ सब पिक्चर्स है। और इसकी वजह से सर के भाई के साथ हमें मीटिंग करनी है जल्दी जल्दी जल्दी, पता नहीं कब हो पाएगा ये। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन सर, एंड हम व्यूअर्स के 2-3 क्वेश्चंस के लिए रुके हैं, या अगर उनको कुछ कहना है तो वील जस्ट वेट टिल दैट टाइम। सो सर आप कुछ और ऐड करना चाहोगे इसके बारे में, कुछ और आपको कहना है लास्ट मैसेजेस टू द व्यूअर्स टू द स्टूडेंट्स? मैसेज बस इतना ही कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड में या फैमिली में, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम जो बनाते हैं मतलब बहुत रेयर चीज़ है, और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये आर्ट मालूम तो है लेकिन देख नहीं पाते, तो हमारे लिंक के जरिए या हमारे पेज के जरिए उनको डिटेल मिले थोड़ा। हमारे साथ जिन लोगों ने जुड़े हैं, जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जिनके क्वेरी सॉल्व हुए, जिनको सर को कुछ मैसेज देना था, थैंक्स अलॉट, बहुत सारा प्यार जो आपने दिया हम लोगों को, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, थैंक्स अलॉट। एंड थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग इन। कुछ अगर हम लोग जा रहे हैं तब तक भी अगर बीच में किसी का भी मैसेज आएगा तो ऑब्वियसली सर भी और हम भी अटेंड करेंगे आपका सवाल या जो भी आप हमें कहना चाहते हो, और उसके बाद भी जब हम डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डालेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मैसेज सर को पहुँचाना है, आप डायरेक्टली लिंक में से जो भी इंस्टा या फेसबुक या जो भी उनके पेजेस है, वेबसाइट्स है, उनमें आप डायरेक्टली सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए आप इसमें मैसेज डालोगे तो हम भी सर को मैसेज पहुंचा देंगे। ओके सो ये जो चैनल है उसमें ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं फैशन का, और बहुत सारा गाइडलाइंस मिलता है आपको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कमेंट करें और शेयर करें, जो भी लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें, सपोर्ट द लोकल्स, वोकल फॉर लोकल्स, यही हम कहना चाहते हैं। सर आपको ये वोकल फॉर लोकल के लिए बहुत सारा सपोर्ट मिला है या कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो बैनर चल रहा है उसमें ऐसा हुआ कि आपको कुछ फर्क पड़ा, एक्चुअली इट मेड अ डिफरेंस? अभी तक तो थोड़ा प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर होगा आई होप। हम तो ट्राई कर ही रहे वोकल फॉर लोकल, और ये भी अपने हिसाब से ट्राई कर रहे हैं लोकल टू वोकल, और इंस्टाग्राम पे मैं भी हैशटैग डाल रहा हूँ अभी हमारे जो प्रोडक्ट रखता हूँ तो। हाँ सर, शिल्पा जी मैसेज कर रहे हैं ग्रेट इनिशिएटिव के सर यहाँ पर आए। यस थैंक यू शिल्पा जी, हम सर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है, उनको हमने एक बार भी रिक्वेस्ट किया तो ही वाज लाइक यस आई एम इन, ही इज सो डाउन टू अर्थ।
थैंक यू सर. एंड सो प्लीज सब लोग सब्सक्राइब अगर करेंगे चैनल को तो बेल बटन भी प्रेस करें तो ही आपको नोटिफिकेशन आएंगे. नहीं तो हम जब कभी भी लाइव आएंगे या जब भी कभी न्यू वीडियोज आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा. सो प्लीज आप सब्सक्राइब भी करो और बेल बटन भी प्रेस करो तो ही नोटिफिकेशन आएंगे. और आपके प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद. थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग इन. सर ये जो अपने साथ लोग हैं उनको और कुछ कहना चाहोगे? कुछ लिंक वगैरह आपको चाहिए वो आप फेसबुक पे या कुछ ऐसा कुछ डाले कि जिससे और ज्यादा सपोर्ट मिले. दीपाली जी कुछ बोल रहे हैं सर. एक सेकंड. हेलो सर, रोगन आर्ट इज अमेजिंग. आई एम ऑल्सो अ फैशन. आई वुड लाइक टू डू दिस. एक सेकेंड. हाँ, डू दिस ब्यूटिफुल डिटेलिंग आर्ट. जैसे मैं स्मॉल एंड डिटेल आर्ट में इंटरेस्ट हूँ, अगर सीखने मिले तो कैसे कॉन्टैक्ट करें? इनको सीखना है सर, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर इनको सीखना है या किसी को भी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनको सीखना है, तो क्या प्रोसेस है? कैसे आ सकते हैं? कितने दिन में मैसेज के बाद पहुँच सकते हैं? कितने दिन कहाँ रुकना पड़ेगा? कैन यू प्लीज़ गिव अस डिटेल सर, इनको जानना है. जैसे अभी तो सब लोगों को मालूम है सर के यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ शायद. आई डोंट नो सर, नेटवर्क शायद टू मिनट सर. सर अभी सुनाई दे रहा है. सॉरी. यस, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर किसी को सीखना है तो अभी थोड़ा वायरस चल रहा है तो हम कोरोना की वजह से कहीं निकल नहीं पा रहे. काफी जगह हर जगह पे रिक्वायरमेंट आ रही है तो हमारे घर पे भी क्लासेस चलते हैं तो हमारे लिंक के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ भी तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो हम सजेशन करते हैं कि आपको कहाँ ऐसे करना है या फिर कैसे आपको मतलब यहाँ से इजी पड़ेगा. जो हमारा गांव है नीरोना विलेज, तो वो बेटर है कि आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट करें तो हम आपको टाइम भी बता देंगे या फिर इन फ्यूचर आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आना होता तो भी हम आएंगे वर्कशॉप के लिए. सर शायद इन्होंने जिन्होंने मैसेज किया है ना उनका कॉलेज हो चुका है बट उनको वो सीखने की चाह है और उनको आपसे सीखना है. समझ गया मैं. तो क्या है कि अगर वो इधर आ सकते हैं आफ्टर द वायरस या नेक्स्ट ईयर तो ठीक है, अदरवाइज उनके जो फ्रेंड सर्कल में 8 से 10 लोग बनते हैं अपनी सोसाइटी वगैरह में तो भी हम उनके घर से आके भी वर्कशॉप ले सकते हैं सोसाइटी में. ओके सर, उसके कुछ चार्जेस होंगे अगर आप ऑल द वे आओगे तो? चार्जेस शायद वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे या फिर हमारे अभी नए चार्जेस होंगे तो उनको व्हाट्सएप कर देंगे जो भी. ओके, तो सर विल लेट यू नो जो भी चार्जेस वगैरह. आप डायरेक्टली सर को कांटेक्ट कर सकते हो तो ही विल कम. वो स्पेशली आके आपका 8-10 का ग्रुप होगा तो फिर भी वो आने के लिए तैयार हैं. और जो भी यू नो आप डायरेक्टली सर से बात कर पाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह में आपको उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे. ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज. सर मुझे नहीं लगता किसी का कोई क्वेश्चन है, सो वी कैन वाइंड अप सर. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन. सो और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी. और सपोर्ट के लिए धन्यवाद सर, एंड सपोर्ट के लिए धन्यवाद ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स. बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा ये कॉन्वर्जेशन से. बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा. आई एम वेरी श्योर अभी रोगन आर्ट इन लोगों को, जो व्यूअर्स हैं या बाद में भी जो देखेंगे उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिलेगी. और बहुत ज़्यादा नॉलेज इसमें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ आप फॉलो करना सो यू विल गेट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. ओके थैंक यू. सो वी आर वाइंडिंग अप. यस, बाय सर, थैंक यू. वेलकम.